दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके मेरे चैनल में। आज मैं रिएक्शन दूंगा बोहेमिया पाजी के नए गाने पे, जिसका नाम है बोहेमिया ऑफिशियल वीडियो सॉन्ग लेटेस्ट पंजाबी रैप सॉन्ग 2021 जीके डिजिटल गीत MP3 जस्ट 2 से 3 या 6 दिन पहले आया है। मैं तो भूल चुका हूँ कि 2-3 वीडियो पर रिएक्शन दिया था, तो उसके बाद से मुझे याद नहीं है। तो मतलब मैं एक साथ बनाता हूँ ना, इस वजह से मुझे याद नहीं है। तो अप्रोक्स 1 हफ्ते पुराना सॉन्ग होगा, तो पहले सुन लेता है कैसा कि बोहेमिया है यहाँ का सॉन्ग। रैप काफी अच्छा होता है, चल कोई नहीं, आवाज भी हल्की लगता है, सुनते हैं क्या है। बोहेमिया जिंदगी इंचेस एंड ब्रोस फिल्म, काफी दिन बाद सुन रहा हूँ ये बात। सिद्धू मूसा वाले के साथ जो उसका रैप आता था लास्ट टाइम, मैंने सुना है या पहले सुखी के साथ जो आते थे, जगुआर ले लो। अजनबी दस हूं तेरे बारे, अज मैं बैठे लिखा की अजनबी साड़ी कहानी दा की होया, ना तेरे बीजी जेड़ी जवानी दा की होया। अजनबी 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 अज मैं तेरे बारे सोच के नहीं रोया, साड़ी टौर सी पूरी मशहूर सी जोड़ी, तेरे घर सी रोला साड़ी दोस्ती पूरी, मेरी गल्ला जरूरी नहीं तेरी गल्ला होई पूरी नहीं, तेरे मेरे च होर कोई दूरी नहीं सी पर धीरे धीरे से हम बन गए। अजनबी 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 तेरे बारे अज मैं बैके धीरे धीरे से हम बन गए, सुन तेरे बारे आज मैं बैके नहीं। अजनबी 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 की लिखे तेरे बारे चले पुराने हो गए, तू सुने नहीं सुने लोगी मेरे दीवाने हो गए, वीडियो च तेरी स्टोरी के तेरे नैन देखन, सोचा तू भी करीब देखी के बस फैंस देखन। अजनबी दस मिनू कौन सी तू, मेरे ख्याल च तू हुन जिवे खंडरा च रू, हुन असी जिवे अंबरा च रहने चंद ते तारी, दूरों लगे नेड़े पर किन्ने दूर सारे, दरियावा वांगू मिले पर पहाड़ा वांगू हिले ने, गलिया वांगू लगे पर गुलाबा वांगू खिले ने। अजनबी 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 एक दूजे नाल लड़े आपा के दे ले, तू रोई जार जार पुलसाई बार वे मैनू गिरफ्तार करने तैयार, मैं पूछा तेरे तो किथे गया तेरा प्यार, तू रोए तो पूछे राजे कदो तू बनेगा रैप स्टार। धीरे धीरे से हम अजनबी 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 धीरे धीरे से हम शख्स मेरी बन गए, याना जी तूनी तेरे अक्स मेरी अजनबी 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 अजनबी। लास्ट में होनी चाहिए वो अजनबी, होता तो मजा आता। वैसे गाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, देखो गाने के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए ही नहीं, क्योंकि यार जब इतने बड़े रैपर्स हैं उनकी तोहिन हो जाती है अगर उनके गाने पर कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं, होते कौन है पहली बात बोलने वाले है नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर वो गाना मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उस पर रिएक्शन ही क्यों करता है नहीं, पॉइंट है नहीं है। अगर मुझे पता है कि गाना अच्छा मुझे नहीं लग रहा पहले से, किसी का रिएक्शन नहीं है तो मैं रिएक्शन क्यों दूँ उसके ऊपर। जाहिर सी बात है मेरे चैनल में, बाप के चैनल में रिएक्शन दूँ या ना दूँ, इस बेस पे है ना, तो गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये ईगो वाली बात नहीं है, हम सुधारी वो ज़्यादा हो गया था थोड़ा मेरे बाप के चैनल वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉन्ग अच्छा था। और तुम लोग जानते हो यार लास्ट वाले सबसे ज़्यादा मुझे धांसू वही लगा था, अजनबी अजनबी मतलब होता ना, रैप करते सुना था इसका, लेकिन मैंने सुना था कि ये भी आएगा, सिंगिंग भी होगी इसमें धीरे धीरे बीच बीच में। और बोहेमिया का गाना जब से मैंने शुरू से सुना है, जब मैं सर्वोदय में था 6th या 7th में, ऐसे होगा कौन सा गाना आया था, चल कोई नहीं तेरे वर्गी कोई नहीं बोला गाना, वो भी मैंने अपने फ़ोन में नहीं अपने दूसरे आईपॉड में सुना था, MP3 आईपॉड बहुत पहले की बात, जब मोबाइल आम नहीं थे। जब से मैंने गाना सुना था तब से हमें भी रैप की चुल चढ़ी थी, और
इकबाल ने भी जाके रिकॉर्ड करे थे यूट्यूब पे, अपना गाने वाने डाले थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन उसकी मेरी कान फट गई थी दोस्त, तो मुझे बोल सकते हैं कि कान फट गई थी उसके बाद से उसने बहुत सारी चीज़ें काम वाम में लग गया, वो नॉर्मल मतलब घर में सबसे बड़ा था, तो इस वजह से उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। तो खैर पिछली स्टोरी पे ना जाते हुए, तो आप लोग बताइए सॉन्ग आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय, मेरा मतलब मैं बोलता हूँ ना सॉन्ग कैसा लगा तो उसके तीन महीने होते हैं, सॉन्ग कैसा लगा, मेरे रिएक्शन कैसा लगा, मेरे एक्सप्रेशन कैसे लगे और आप क्या एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर, ये चार चीज़ें होती हैं। तो आप जो भी समझ आपको कुछ भी आपके दिमाग में आया हो ये वीडियो देखकर, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ अभद्र भाषा को प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर बार बोलूँगा भाई जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अभद्र भाषा का उपयोग कर सकते हैं, बस लिमिटेड मतलब ये नहीं कि सीधे हो जाए। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था तुम जानते हो, किसने किसे क्या कह दिया था थोड़े दिन पहले, ताकि उन्हें जेल बेल तक नहीं मिली थी अभी तक, एक हैं वो बाबा, तो वो हटाते हैं। आप लोग अपने मौलिक अधिकार का उपयोग कीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का उपयोग कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स के भरने के साथ ही साथ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये लगता है ना, अगर एक दिन में चार मुझे एक सब्सक्राइबर भी मिलेगा ना, एक दिन में एक सब्सक्राइबर भी मिलेगा मुझे, तब भी मुझे खुशी होगी यार। देखो जो बात है, क्योंकि यार इतनी मेहनत करता हूँ, कुछ ना कुछ मेहनत ही होती एक तरीके की है। अब चार से मैं एक दिन में पाँच वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, सुबह 10 बजे, फिर 1 बजे, फिर 4 बजे, सुबह 10 बजे, फिर दोपहर में 1 बजे, फिर शाम के 4 बजे, फिर शाम के 7 बजे, और फिर लास्ट एक वीडियो रात के 10 बजे। तो ये 5 वीडियो अपलोड करता हूँ मैं एक दिन के अंदर। तो इस वीडियो को बनाने में, देखो वीडियो शूट करने में टाइम नहीं लगता है, शूट तो कहना नॉर्मल है ना, एडिट करने में फट के हाथ में आ जाती है। अब तुम कुछ एडिट करने में खाली क्रॉप करके लगाने तो होता, लेकिन वो नहीं होता, इसके फिर जो होते हैं ना हमने सब फर्क पड़ता, तो इस वजह से नॉर्मल थंबनेल देखा हुआ तुमने मेरे ऊपर से नीचे तक। अब तुम्हें क्या समझाऊँ, तुम कर दो यार, सपोर्ट करो बस प्लीज़, जो आपकी राय हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट।